गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ वाटर थेरेपी के बारे में। तो ये जो थेरेपी है ये जैपनीज थेरेपी है, आयुर्वेदा में भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है। और पानी तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर आप कोई भी आपको स्किन केयर टिप्स देगा वो हमेशा कहेगा कि अगर आप अपनी स्किन अच्छा करना चाहते हो तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ स्किन के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोग तो पानी पीते हैं, इनफ वाटर लेते हैं, और कुछ लोग पीते ही नहीं हैं। जो लोग नहीं पीते हैं उनकी स्किन से अलग पता चल जाता है, उनकी स्किन डल लगती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लगती है। और कुछ लोगों की स्किन पर पानी पीने के बाद भी असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हो सकता है वो सही ढंग से पानी नहीं लेते हो। तो आज की वीडियो में यही सारी बातें करने वाले हैं कि ये जो वाटर थेरेपी है ये है क्या, इसको कैसे ये बेनिफिशियल है और क्या क्या किया जाता है इसमें, ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये बॉडी से जो भी टॉक्सिन है उनको एलिमिनेट करता है यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है, हार्ट बर्न के प्रॉब्लम को दूर करता है, हेडेक को भी दूर करता है। इसके साथ ही स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, हेयर को भी शाइनी बनाएगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। वाटर थेरेपी जब भी बोलो तो सुन के लगता है हाय रे ये कोई अलग ही थेरेपी है और बहुत कुछ होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी ही सिंपल है। तो चलिए बताती हूँ मैं कि इसमें आपको करना चाहिए कि आपको दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी लेना ही लेना है। आपको सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक ब्रश करने से पहले आपको 1 लीटर पानी पीना है, ठीक है। ये जो पानी है आप कॉपर वाटर वाटर भी ले सकते हैं। अगर आप ये कॉपर बॉटल का पानी लेते हो तो जो भी बेनिफिट्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। या फिर आप ल्यूकवॉर्म वाटर भी ले सकते हो, प्लेन वाटर भी ले सकते हो, पर प्लास्टिक बॉटल में भरा हुआ पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और धीरे धीरे आराम से आप पानी पी लीजिए। इसके बाद जो भी आपके रूटीन है वो आप कर सकते हो। 45 मिनट्स का आपको गैप करना है, इसके बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। और जो भी ब्रेकफास्ट है और डिनर है और लंच है उसमें 2-2 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया उसके 2 घंटे बाद तक मैं कुछ भी खाऊंगी या पीऊंगी नहीं, पानी भी नहीं लेना है। अब 2 घंटे तक पानी ना लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप क्या कर सकते हो 1 घंटे वेट करके आप पानी पी सकते हो। पर जो भी मील आप लेते हो उसमें 2-2 घंटे का गैप होना ही चाहिए। इस तरीके से अगर बताऊँ तो आपको कोई भी मील लेने के 1/2 घंटे पहले पानी पीना है और 1 घंटे बाद पानी पीना है। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। मॉर्निंग में जो आप वाटर लेते हो सकता है जो लोग बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा सुबह से उठ के 1 लीटर पानी पीना, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीने में। तो आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप 1/2 लीटर वाटर लो, या फिर आप जितना पी पाओ उतना पियो, धीरे 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 उसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपको ये हैबिट हो जाएगी पानी पीने की। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पियोगे तो इससे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो भी खाना आप खाते हो उसके न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाएंगे, ना ही पानी के न्यूट्रिशन मिलेंगे और ना ही आपको खाने के न्यूट्रिशन मिलते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा गंदा असर करता है आपकी बॉडी में। तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। कुछ लोग तो खाना खाते खाते बीच बीच में पानी पीते हैं, तो प्लीज़ जो लोग भी ऐसे करते हैं ऐसा मत करो, आपके हेल्थ पर बहुत गंदा असर पड़ेगा। कुछ लोग खाना खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप जो खाना खाते हो आपको कुछ लिक्विड चाहिए तो आप बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हो, पर पानी आपको नहीं पीना है। आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, इससे ज़्यादा भी नहीं पीना है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, ज़्यादा भी पीना बुरा हो सकता है, तो आपको सिर्फ 3-4 लीटर ही कंप्लीट करना है। आप 8-10 ग्लास पानी पियोगे वो 3-4 लीटर ही बन जाते हैं, ठीक है, 3-4 लीटर हो जाते हैं। कई बार होता है कि कितना पानी पिए, तो आप लेमन वाटर यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी जूसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जूस में शक्कर मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो और फिर ले रहे हो। तो इसके बेनिफिट्स
नहीं मिलेंगे आपको बेनिफिट्स क्या, बहुत ज़्यादा शुगर मिलाओगे तो वही फिर उल्टा इफेक्ट करने लगेगा। तो आपको सिर्फ नॉर्मल जूस लेना है, एलोवेरा जूस भी ले सकते हो आप, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो आप, ये सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है कि लोग दौड़ते हुए मतलब पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं और दौड़ते दौड़ते ही पानी पी लेते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं और पानी भी पीते जा रहे हैं, खड़े होके पानी पी रहे हैं, चलते हुए पानी पी रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आप जब भी पानी पीते हो रिलैक्स होकर बैठ जाओ आराम से और फिर एक एक सिप कर करके आपको पानी पीना है। आप इसको 10 डेज तक रेगुलर करके देखिए, आपको आपके स्किन पे, वेट में और जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, घर पे पानी रहता ही है, पीना है, सही ढंग से पीना है, सुबह से उठ के पीना है और खाना खाने के आधे घंटे पहले ले सकते हो, एक घंटे बाद ले सकते हो, जब भी खाना खाओ 2 घंटे का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। और ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड लेना है, 3 से 4 लीटर वाटर लेना ही लेना है, सिर्फ इतनी सी तो बात है। एक प्लीज़ एक बार करके देखिए, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जो भी मैं आपको बताती हूँ अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। और आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जल्दी से फॉलो कर लीजिए और मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।